आज आप सभी के लिए एक और न्यू अपडेट लेके आई हूँ। हो सकता है काफी सारे बच्चों को इस बारे में ऑलरेडी पता हो, बट आज मैं डिटेल में समझाऊंगी कि FYUP आखिरकार है क्या। तो आप जान लेते हैं कि FYUP की फुल फॉर्म क्या है। तो इट्स 4-year अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू स्ट्रेंथन आवर एजुकेशन पॉलिसी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले अंडर ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज थे वो 3 साल के होते थे, बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स आपके सारे अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज 4 साल के होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि 2022 के बैच में भी थोड़े से कोर्सेज में ये चीज इम्प्लीमेंट करी गई थी, बट 2023 के बैच के सारे कोर्सेज, मान लो आप भले ही BSc हो, BCom हो या BA हो, तो मतलब लाइक आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम के कोर्सेज अब 4 साल में कम्प्लीट होंगे। तो बाहर की कंट्रीज में अंडर ग्रेजुएशन 4 साल का होता है और इंडिया में वो केवल 3 साल का होता था। तो जो कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेन कंट्री से करने का सोचते थे, तो उनका बीच का वो 1 साल ना काइंड ऑफ वेस्ट ही हो जाता था, प्लस उनको 1 साल एक्स्ट्रा लग जाता था। तो ऐसा ना हो और 4 साल बाद वो डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेन कंट्री में या कहीं पर भी करने के लिए एलिजिबल हो जाए, दैट इज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट ने NEP के थ्रू ये प्रोग्राम निकाला है। सो बेसिकली NEP इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके विद इन बहुत से चेंजेस आए हैं। वन ऑफ द चेंज इज कि 4 ईयर का हो चुका है अब आपका अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। अब हर बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा खासा हमारा 3 साल में कंप्लीट हो जा रहा था अंडर ग्रेजुएशन, और अब हमें 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, प्लस हमें 1 साल के एक्स्ट्रा एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो अब मैं बताती हूँ कि जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स निकाला है ना, इसके क्या क्या डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। सो द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट कि पहले क्या होता था कि जैसे आपने 1 साल पढ़ाई करी, ठीक है, 1 साल अपना कंप्लीट कर दिया अपने कोर्स में, एंड देन ड्यू टू एनी XYZ रीजन आपका पढ़ाई छूट गई और आपका गैप आ गया बीच में, तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता था फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। मान लो कि आपने जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया अपना, सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया, फिर कोई भी रीजन फाइनेंशियली या फिर कोई भी XYZ रीजन की वजह से आपके बीच में गैप आ गया 6-7 महीने का, एंड देन आप थर्ड ईयर नहीं शुरू कर सकते थे फिर से, आपको फिर से फर्स्ट ईयर शुरू करना पड़ता। लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग योर सेकंड ईयर आपको फिर से फर्स्ट ईयर शुरू करना पड़ता। बट NEP के थ्रू ये चेंज बहुत अच्छा आया है कि आपकी फ्री एंट्री है, आप जब चाहो आ सकते हो, जब चाहो आप आगे का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपने 1 साल के बाद ड्रॉप ले लिया फॉर सम टाइम, मे बी गैप हो गया ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, तो आपके वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, क्रेडिट्स के बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप जब भी चाहो, जैसे आपने 1 साल बाद या 2 साल बाद या कुछ महीने बाद सोचा कि लेट्स कंटिन्यू रीस्टार्ट आवर एजुकेशन जर्नी, तो आप उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज है। कुछ लोगों के पढ़ाई छूट जाती है, एंड देन फिर वो दोबारा से कंटिन्यू इसलिए शुरू नहीं करते थे क्योंकि जैसे कि हमारे काफी ज्यादा एज हो चुकी है एंड काफी साल बर्बाद हो चुके हैं, हम फिर से करें तो नहीं करते थे। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि फर्स्ट ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडिट्स। जब आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, लाइक आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, सेकंड ईयर के बाद आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। आप सेकंड ईयर के बाद भी गैप ले सकते हो, एंड देन डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो थर्ड ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मिलेगी नॉर्मल जो ऑनर्स की डिग्री आज तक सभी बच्चों को मिलते आ रही है, ठीक है। थर्ड ईयर के बाद आपको नॉर्मल जो एक्चुअल की डिग्री है वही मिलेगी। ऐसे नहीं कि आपने जैसे BCom ऑनर्स किया तो आपको प्रोग्राम की डिग्री दे देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। थर्ड ईयर के बाद आपको नॉर्मल डिग्री ही मिलेगी, बट वंस यू कंप्लीट योर फोर्थ ईयर तो आपको रिसर्च, लाइक 1 ईयर रिसर्च की डिग्री एज वेल एज BCom ऑनर्स या जो भी आपने ऑनर्स किया है या जो भी आपने कोर्स किया है उसकी डिग्री मिलेगी। तो फोर्थ ईयर के बाद आपको 2 डिग्रीज मिल जाएंगी, 1 ईयर रिसर्च की डिग्री एंड द सेकंड वन इज दी आपका जो कोर्स आपने कंप्लीट किया है उसकी डिग्री। अब बताती हूँ मैं आपको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिट। इट इज सो कि आपको डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएशन के बाद PhD करने का मौका मिल सकता है। यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल फॉर PhD आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएशन। तो पहले क्या होता था, जैसे आपको अंडर ग्रेजुएशन का एग्जाम देके आपको फाइनली एडमिशन मिलता कॉलेज में, देन आप अपना वो पूरा कोर्स कंप्लीट करते थे, फिर आप दोबारा एंट्रेंस देते थे पोस्ट ग्रेजुएशन का, देन आप वो पूरा कंप्लीट करते थे, उसके बाद जाके आप एलिजिबल होते थे PhD के लिए। तो जो ये बीच का पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है ना, ये पूरा हटा दिया है NEP ने। तो आप अगर 4 साल का कर लेते हो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ठीक है, किसी भी BCom ऑनर से या फिर जिससे भी आपको करना है, आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर लिया
उसके बाद यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल फॉर पीएचडी। ठीक है, आप पीएचडी का एंट्रेंस देके डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन का करने का जो वो इतने साल लग जाते थे, कई लोग अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते थे, ड्रॉप्स देते थे, वो सारे साल जो वेस्ट जाते थे वो अब वेस्ट नहीं जाएंगे। आप डायरेक्टली फोर्थ ईयर के बाद एलिजिबल हो जाओगे टू गिव द एंट्रेंस फॉर द पीएचडी। जिस जिस बच्चे का डायरेक्टली मेन फोकस है कि उसको पीएचडी करनी है, तो दे शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर फोर ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद वो डायरेक्टली ही एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी कुछ बच्चे हैं जो सोचेंगे कि यार हम तो थर्ड ईयर के बाद ही वी वांट टू डोंट कंटिन्यू, अब हमें फोर्थ ईयर में नहीं करना, हमें तो डायरेक्ट प्लेसमेंट ही चाहिए थी अंडर ग्रेजुएशन के बाद, ना हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है ना हमें पीएचडी करनी है। तो वन बेनिफिट इस चीज का ये भी है कि आप थर्ड ईयर के बाद भी प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगे, एंड इवन अगर आप फोर्थ ईयर में जाते हो एंड आप फोर्थ ईयर करते हो तब भी आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होगे। तो आप थर्ड ईयर के बाद भी एलिजिबल हो, फोर्थ ईयर के बाद भी एलिजिबल हो, इट्स टोटली योर विश। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इट्स मैंडेटरी कि आपको चार साल का ही कोर्स करना है, इट्स टोटली योर विश। और अपने मतलब क्राइटेरियाज, अपने जितने भी ओपिनियंस है उसके हिसाब से सोचना कि आपको थर्ड ईयर के बाद ही लेना है लाइक अपना डिग्री लेके उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का या जो भी आपको आगे करना है या प्लेसमेंट लेना है, या फोर्थ ईयर के बाद आपको डायरेक्टली पीएचडी करनी है या फिर बाहर किसी कंट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो फोर्थ ईयर वाला आपको जरूर से अपनाना चाहिए। बाकी प्लेसमेंट की दिक्कत होती थी कि एक साल हमारा बर्बाद होएगा, एक साल हमारे को उसके बाद जाके जॉब मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, आप थर्ड ईयर के बाद भी प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो फोर्थ ईयर तक पढ़ेंगे सिर्फ वही इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक मिथ है, इस चीज का मत सोचना। एनईपी से फायदा ही फायदा है, आज सच कोई नुकसान नहीं है। सो हमारा बैच विच इज द बैच ऑफ 2022 इज द फर्स्ट बैच जब से ये फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट अंडर दिस प्रोग्राम ओनली। तो ऑन एन एवरेज इफ आई वुड से, तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट। इससे हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, प्लस ये बाहर फॉरेन कंट्री से अडॉप्ट करा हुआ है, फॉरेन में ये बहुत टाइम से बहुत अच्छे से चलता हुआ आ रहा है, तो इंडिया ने सोचा कि इट्स फाइनली टाइम कि अब हम भी इम्प्लीमेंट कर दे। देखो बीटेक वगैरह तो ऑलरेडी चार साल के होते थे, अब जो ये अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स लाइक बीकॉम बीए बीएससी होते थे ना, अब ये भी चार साल के कर दिए गए हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मत सोचना कि हमें एक साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है या समथिंग लाइक दैट, इन द फ्यूचर आपका एक साल कम भी हो रहा है, लाइक वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पूरा पोर्शन आपका कम हो रहा है। और अगर आपको वो करनी नहीं है तो आपके पास फिर भी ऑप्शन है कि आप थर्ड ईयर के बाद डायरेक्टली प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज करना, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको चार साल कंप्लीट करने ही करने हैं या फिर आपको कुछ बेनिफिट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर आपने तीन साल ही करा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो काम डाउन एंड अच्छे से सोचना कि आपको थर्ड ईयर पे बाद ही जाना है या फोर्थ ईयर तक रहना है और अंडर ग्रेजुएशन का दैट फोर ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी का फायदा उठाना है। बाकी फॉर दी फर्दर अपडेट्स डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं ऐसी न्यू अपडेट्स आपको देती रहती हूँ, दीज आर वेरी एसेंशियल। देखो अभी आप ना सीयूईटी में इतना ज्यादा हो कि आपको लग रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी पे आपको देखना है कि आप जो कोर्स कर रहे हो वो अब चार साल का हो चुका है, तो आप चार साल करना चाहते हो या तीन साल करना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप रखोगे उस कोर्स की प्रेफरेंस को। तो इस चीज को ध्यान से सोचो एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल अपडेट्स। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो।